Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। पैटर्न पूरा सेम होने वाला है। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स के और लास्ट 10 क्वेश्चन फॉर स्टैटिक अवेयरनेस। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और चलते हैं, शुरू करते हैं, धमाल मचाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। कोटेशन क्या है देखें यहाँ पर, टर्न योर ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड योर प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज। एक लाइन में सारी बातें कही गई हैं। कुछ बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर पेपर पे ये सही लगता है, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा टफ हो जाता है। कहा गया है कि कभी किसी को अपनी कमजोरियां बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, जब मैं MBA करने गया तो इकोनॉमिक्स में मेरा बैक आ गया था, क्योंकि मुझे इकॉनमी बिल्कुल नहीं आती थी और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट था। लेकिन बैक आने के बाद, मतलब मैं कभी लाइफ में आप लोग की तरह पढ़ने वाला था, कभी ये सब बैक हुए नहीं थे। तो मैंने उसे इतनी पढ़ी कि आज मैं इसे पढ़ाने लगा हूँ और ठीक ठाक पढ़ा भी लेता हूँ, आप लोग जानते भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब जो भी हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं उसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ेगी, और ये ज़रूरी है। ज़िद है तो है, वरना हम क्या करेंगे। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसे पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, और आप लोग रॉकस्टार हैं, आप लोग इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो ये रहा आपके स्क्रीन पर सामने। चलिए आइए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड विच कंट्री आर कंडक्टिंग अ 2-week मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड आयरन मैजिक 19 इन अरेबियन गल्फ फ्रॉम 21 अक्टूबर 2018 टू नवंबर 1, 2018। और मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, न्यूज़पेपर में भी ये था और कुछ बच्चे अभी क्वेश्चन आंसर भी इस पे कर रहे थे। तो क्या इसका आंसर होने वाला है ये आपको बताना है, और इसका आंसर आना शुरू हो गया है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है US, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो US, तो कंप्यूटर जी आगे बढ़ चुके हैं और आपको स्लाइड में दिखा भी रहे हैं। देखिए, UAE और US के बीच में 2 वीक का एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयरन मैजिक 19 हो रहा है अरेबियन गल्फ में, और आयरन मैजिक 19 विल बी हेल्ड टिल नवंबर 1, 2018। ठीक है, आप लोग जान गए। आगे बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके लिए, देखिए। पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पॉल बिया इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आपको इसके बारे में बताना है। क्या इस देश की कैपिटल होगी, क्या इस देश की करेंसी होगी? अगर आपको आता हो तो आप उसका भी आंसर देंगे, वरना नेक्स्ट स्लाइड में कंप्यूटर जी आपको दिखाएंगे भी। और इसका आंसर क्या होगा? अभी इसका आंसर नहीं है, कंप्यूटर जी आपने आंसर पहले दिखा दिया। थोड़ा सा पीछे अगर हो सके तो पीछे हो जाए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा इसके बारे में बात कर ले। यहाँ पर हमारे सामने 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जल्दी से गाइस, और कैमरून आंसर आना शुरू हो गया। कैमरून इज राइट आंसर गाइस। तो कैमरून को लॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी अब आपको दिखाएंगे आंसर। आनंद जी बिल्कुल, मैं आपके मेल का रिप्लाई कर देता हूँ, आज ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, और गाइस एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि जो टेक्स्ट बुक का डिस्कस है, आप टेक्स्ट बुक के साइट पर आए, वहाँ पर डिस्कस में थ्रेड में हम लोग आपको मिल जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें या फिर हम इंटरव्यू की बात करें तो वहां पर भी हम आपसे मिलेंगे। आज मेरी टाइमिंग है 10 बजे, 10 o'clock में मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। सचिन सर हैं, बहुत सारे फैकल्टीज भी डिस्कस पे आ चुके हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कैमरून की बात करें तो इसकी कैपिटल करेंसी यहाँ पर दी गई है। कैपिटल करेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर बात करें पॉल बिया की तो ये 85 ईयर्स ओल्ड के हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। चलिए, हाँ कंप्यूटर जी भी आज तैयार, विराट सिंह, मतलब थोड़ा सा होता है ना, हॉर्लिक्स पिए हैं आज। चलिए, बॉब देना विजया, Merge Bank will get capital infusion from the government to meet certain criteria to achieve a credit growth of how much percent? मतलब BOB देना विजया बैंक ये मर्ज हो जाएंगे तो कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इनको पैसा देगी। तो इनमें कितनी क्रेडिट ग्रोथ करने के लिए इनके पास कितना परसेंट पैसा बढ़ जाएगा जब गवर्नमेंट पैसा लगाएगी इन तीनों बैंकों में, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, यहां पर आंसर आने शुरू हो गए। क्या इसका आंसर होगा देखते हैं। और बच्चे बोल रहे हैं 15%, तो क्या 15% राइट आंसर है? तो जी हाँ, 15% बिल्कुल सही आंसर है जो आपको यहां पे दिख गया। कंप्यूटर जी भी इसमें टाइम पे चल रहे हैं आप। चलिए, तो बॉब देना विजया बैंक की बात करें तो 15% इनकी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाएगी। अच्छा, एक टर्म होता है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा द प्रपोज्ड कंबाइंड एंटिटी हैड सीएआर ऑफ 12.25% बाय द एंड ऑफ जून। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब इतना मान लीजिए कि एक प्रॉपर कैपिटल की बात हो रही है जो कि 12.25% हो जाएगी जून में। ये डाटा इतना याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंडिकेट बैंक पर है। तो सिंडिकेट बैंक पर क्या क्वेश्चन बनना है, देखिए यहां पर सिंडिकेट बैंक अनाउंस्ड कैपिटल इन्फ्यूजन। फिर सुन लो, कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब होता है सरकार पैसा लगा रही है बैंकों में। और जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है तो कैपिटल इन्फ्यूजन टर्म याद रखें, आपसे पूछा जाएगा जरूर। ऑफ हाउ मेनी करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन ल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर ऑन 23 अक्टूबर 2018। मतलब सरकार ये बोल रही है कि आपको हम इतना पैसा देंगे तो आपको अपना शेयर हमको देना पड़ेगा। आप भी किसी कंपनी पैसा लगाते हो तो आपको शेयर नहीं मिलता है, वही बात हो रही है। तो सिंडिकेट बैंक में कितना पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, और यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या होंगे, आंसर इज 7 to 8 करोड़ इज राइट आंसर। कंप्यूटर आगे बढ़े और बच्चों को दिखाएं, 7 to 8 करोड़ इज राइट आंसर। यानी गवर्नमेंट बैंक का शेयर लेगी और पैसा उसमें लगाएगी। क्लियर। अच्छा नीचे देखें, सिंडिकेट बैंक हेडक्वार्टर एंड टैगलाइन ऑफ सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मणिपाल, और टैगलाइन क्या है, फेथफुल फ्रेंडली। ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, अभी जो बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो इतना निराशाजनक वातावरण था, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इकोनॉमी को समझते हो तो कॉन्टिन्यूअस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन करने जा रही है। नाबार्ड ने अपना कैपिटल बढ़ा दिया है। इसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में फिर से 2 सालों में आप बूम देखेंगे, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एडिटर ऑफ द हिंदू। द हिंदू के अगले संपादक किसे नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एडिटर ऑफ द हिंदू, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। चलिए, क्या इसका आंसर होने वाला है ये आपको बताना है। द हिंदू जो है, इसके अगले एडिटर कौन अपॉइंट हुए होंगे, ये आपको बताना है। हाँ, सीबीआई वर्सेस सीबीआई का हम लोग बात इसकी कर चुके हैं। चलिए, और यहाँ पर आंसर देना है आपको, क्या आंसर आएगा। ठीक है। मोहम्मद असफ, वालेकुम अस्सलाम भाई। और इसका आंसर बच्चे दे रहे हैं सुरेश नबंथ। तो क्या ये सही आंसर है, कंप्यूटर जी आगे बढ़े, बच्चों को दिखाएं। चलिए, तो जो द हिंदू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इन्होंने सुरेश नबंथ को एज अ एडिटर अपॉइंट कर लिया है। और इसके बाद बात करें तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, थर्ड पॉइंट पर आइए। तो ही विल सक्सीड मुकुंद पद्मनाभन को इन्होंने ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर देखिए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस इन इट्स रिपोर्ट स्टेटेड दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन बैंक इज डिस्टिंक्टली वीक compared to the other BRICS nation. What was the rank of India in terms of highest non-performing asset loan at 2017 end? मतलब क्या बोला गया है, आपको पता है कि ब्रिक्स देशों में 5 देश हैं। तो बोला गया कि जो सारे देश हैं तो वो उन देश में बैंक हैं, और जो ये बैंक हैं वो लोन बांटते हैं। तो बैंक लोन बांटते हैं तो लोन फंस भी जाते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग लोन। तो नॉन परफॉर्मिंग के मामले में ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया की रैंक कितनी है, ये आपको बताना है। और क्या इसका आंसर होगा, बच्चे बोल रहे हैं तीसरा, पहला भी आंसर आ रहा है। तो क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर है बेटा दूसरे नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे है, पहले पे रशिया है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, देखिए यहाँ पर देखिए। तो जो इंडियन बैंक है, तो ये ब्रिक्स कंट्रीज की अगर बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं जिनका सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। तो रशियन बैंक्स हैड द हाईएस्ट रेशियो ऑफ 11.8%, ठीक है। और अगर बात करें सबसे कम एनपीए की तो चाइना में, और मुझे अच्छे से याद है कि आज से 5 साल पहले चाइना नंबर 1 पे था। चाइना ने काफी बैंकिंग सेक्टर पर काम किया है। चाइना अभी सबसे लास्ट हो गया है, इंडिया दूसरे पे और रशिया पहले पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए, निष्ठा डुडेजा ने मिस डेफ एशिया 2018 पुरस्कार जीता है। वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये आपसे पूछा गया है। निष्ठा डुडेजा वन द मिस डेफ एशिया 2018। शी हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट, मतलब ये इंडिया से हैं, और इंडिया में किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये आपको बताना है। चलिए कोई बात नहीं, पहले पे रशिया, दूसरे पे इंडिया, हमने देख लिया। और इस क्वेश्चन कैसे दें, अमीश कुमार बोल रहे हैं हरियाणा, विकी बोल रहे हैं हरियाणा। क्या ये सही आंसर है, तो क्या हरियाणा राइट आंसर है। और देख लेते हैं यहाँ पर जी हाँ, और हरियाणा बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर जी आपको स्लाइड दिखाएंगे। देखिए तो हरियाणा की गर्ल्स निष्ठा डुडेजा जो है ये मिस डीफ एशिया 2018 टाइटल जीत चुकी हैं। ये कहाँ पर हुआ? प्राग में हुआ, ये आपको याद रखना है, प्राग, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये पहली इंडियन है, मालूम चल गया आपको, और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं सिवांटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, ये भी याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की जो आपके सामने यहाँ पर है। Which organization has entered into a partnership with the Hiroshima government for co-creating a Japan-India IT corridor in Hiroshima? मतलब हिरोशिमा में जापान भारत आईटी कॉरिडोर बनाने के लिए किस संगठन ने हिरोशिमा सरकार के साथ साझेदारी की है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन एमओयू पर है और हिरोशिमा किस देश में है आपको ये पता ही है, तो इंडिया और हिरोशिमा के बीच में एक आईटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या इसका आंसर होगा? दिनेश थोरी जी कैसे हैं आप, जरा मुझे बताएं। सॉरी, और आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। आंसर क्या है? आंसर है नेस्कॉम। बच्चे बोल नेस्कॉम, तो कंप्यूटर जी आगे बढ़े और नेस्कॉम के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, ठीक है, ये नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। इसके नीचे 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नेस्कॉम इंटर्ड है, हुआ है पार्टनरशिप में विद हिरोशिमा गवर्नमेंट के साथ आईटी कॉरिडोर बनाने के लिए, इतना देखें, और इसकी शुरुआत अर्ली 2019 के अर्ली में हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अक्षदीप कुमार, नहीं गलत बात, यहाँ पर बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि जब जॉब होती है ना तो हमारे पास सब कुछ होता है, तो प्लीज़ फोकस ऑन स्टडी, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे आपसे। चलिए, हु प्रेजेंटेड द प्राइज फॉर द विनर ऑफ साउथ एशिया रीजनल वॉश इनोवेशन, WASH, वॉश इनोवेशन। वॉश इनोवेशन का मतलब क्या था? ये हैंड वॉशिंग विथ सोप को लेकर एक अवार्ड फंक्शन हुआ था भूटान में, उसकी बारे में बात हो रही है। तो आपको इसका आंसर देना है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय वॉश इनोवेशन के विजेताओं की को पुरस्कार किसने दिया, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, ठीक है अमरजीत, ट्राई करेंगे ब्लैक कॉफी, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आंसर बच्चे देना है सचिन, सचिन 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 तेंदुलकर, ठीक है। तो सचिन क्यों, पहले वो देख ले। यहाँ पर देखिए, इंडियाज लेजेंड क्रिकेटर एंड यूनिसेफ एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ एम्बेसडर के, यूनिसेफ एम्बेसडर हैं फॉर साउथ एशिया। और ये कहाँ पर ये अवार्ड बांटा गया देखो, तो रीजनल वॉश इनोवेशन इन थिम्पू, द कैपिटल ऑफ भूटान, ठीक है, भूटान में थिम्पू में ये बांटा गया, ठीक है। इसके बाद देखो और कोई पॉइंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट पॉइंट, द बेसिक एम ऑफ द चैलेंज वाज टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ हैंड वॉश विथ सोप, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर अपने आप हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और गाइज यहाँ पर अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। कल मैंने काउंट किया था तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद करीब 400 लाइक थे, लोग देख रहे हैं 1000, यार ये गलत चीज़ है ना। और अगर अच्छा शो नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दो कम से कम, कि मालूम चले हाँ शो अच्छा तुम लोगों को नहीं लग रहा है तो हम कुछ और इम्प्रूवमेंट करें उसमें। चलिए, Who was conferred with the Maharishi Valmiki Jayanti Award on the occasion of Valmiki Jayanti in Bangalore on 24th October 2018? तो वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि जयंती पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। हमारे सामने 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलिए आंसर दें, और यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, आंसर क्या होगा? H.D. देव गौड़ा बच्चे बोल रहे हैं, हरदन हल्ली डुड्डा गौड़ा, देव गौड़ा, ये बिल्कुल सही आंसर आपने यहाँ पर दिया है। चलिए, तो H.D. देव गौड़ा बिल्कुल सही आंसर है। इनका फुल फॉर्म मैंने बोला है, मुझे थोड़ा याद था, बचपन में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो हम लोग पूछते थे क्या है फुल फॉर्म GA में। चलिए, तो अगर बात करें तो देखो, ही सर्व एज द 11th प्राइम मिनिस्टर, ये 11वें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया है? बिकॉज SC ST कास्ट के लिए जो इन्होंने डेवलपमेंट के वर्क्स किए थे, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि ये इंडिया के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां आपके स्क्रीन पर, विच ऑर्गेनाइजेशन विल अवॉर्डेड द FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 फॉर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि किस संगठन को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल की श्रेणी के लिए फिक्की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपसे पूछा गया है, क्या इसका आंसर होगा? हाँ चलिए, नहीं दानिश राजा, इनका नाम बदलना नहीं पड़ेगा, तुम क्वेश्चन पर ध्यान दो, तुम लोग खुरापात मुझे चलता दिमाग में। और इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ठीक है, रिजुअल यादव हैं, बोल रहे हैं हॉकी फेडरेशन। अरे जल्दी आंसर दो जी, और जल्दी दी। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को फिक्की अवार्ड मिला है, ध्यान देना। ठीक है चलो, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई भी पड़ रहा होगा। ठीक है देखो, आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। The jury for the award was chaired by Justice Mukul Mudgal. ये ध्यान देना, मुकुल मुदगल वाला पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या है? पंकज सिंह इज द स्पोर्ट्स हेड ऑफ फिक्की। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बीच में सारी कहानियां हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, देखिए देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 यूनाइटेड नेशंस डे? तो हम सब जानते हैं कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, कल हमने पढ़ा भी था। और आज हम इसकी थीम लेकर आए हैं कि इसकी थीम क्या थी। कल आपने पढ़ा था, शायद आप भूल गए हो, आज बता दें, देखें क्या इसका आंसर है। कोई बात नहीं रवि, लाइक का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। कहा गया है ना कि मतलब हमें प्रॉपर फोकस करना चाहिए उस चीज़ पर जो हमें दिखता है, और आपको मैं दिख रहा हूँ तो पूरे कंटेंट पर बिल्कुल फोकस करिए हाँ अच्छे से। और इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं और सही आंसर यहाँ पर बच्चे दे रहे हैं, शांति और अहिंसा की परंपरा। ट्रेडिशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस इज राइट आंसर, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो 24 अक्टूबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है और थीम आपने बता दी। तो कोई भी डे हो तो उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं और उसकी थीम क्या, यही दो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की, जो आपके सामने है। वेयर वॉज द 12th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड ऑन 19 अक्टूबर 2018। तो 19 अक्टूबर को आसियान रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपसे पूछा गया। मतलब डिफेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने लीड किया होगा और आपको मुझे बताना है क्या इसका आंसर होगा। सोना अरविंद का आंसर आ गया, बोल रहे हैं सिंगापुर, सोना अरविंद। ठीक है और देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में ये मीटिंग हुई, 12th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, 12th मीटिंग है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इस मीटिंग में देखो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएस के डिफेंस मिनिस्टरों ने पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ते हैं, एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ पर है जरा मुझे कमेंट में बता देना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं, चलिए। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट रुपीज टू डेवलप द नेशनल हाईवे इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सरकार ने अंडमान और निकोबार आइलैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने के लिए कितने रुपए की घोषणा की है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैंने पूछा था, अभी तक आंसर आना शुरू नहीं हुआ है। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही निकिता जी, जकार्ता बोल रही हैं आप, जकार्ता इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और प्रमोद अग्रवाल ने यहाँ पर आंसर भी दे दिया है, बोल रहे हैं 1500 करोड़। क्या ये सही आंसर है? सोनम बोल रही है 1000 करोड़। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी 1500 करोड़ रुपीज। तो 1500 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है अंडमान और निकोबार में आइलैंड में हाईवे बनाने के लिए। और ये जो हाईवे होगा इसकी लेंथ होगी 232 किलोमीटर। ठीक है चलिए, तो ये आपने देख लिया, हम आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। कल हमने सीबीडीटी के डेटा बात किया था कि हमारा डेप्ट जीडीपी रेशियो, अरे हमारा जीडीपी और टैक्स रेशियो कितना हो गया था। और आज हमने यहाँ पर क्या बात की, देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रिलीज्ड की स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक डोमेन। एज पर दिस ग्रोथ इज सीन इन नंबर ऑफ पर्संस फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाई हाउ मैनी परसेंट इन 4 ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 13-14 टू फाइनेंशियल ईयर 17-18। यानी जो लोग अपना ITR फिल करते हैं तो 2013-14 से लेके 2017-18 तक इसमें कितनी ग्रोथ आई है, ये आपसे पूछा गया। कल ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे होंगे तो आपको ये याद होगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं 78%, क्या ये सही आंसर है? तो बेटा इसका आंसर है 65%। तो 65% राइट आंसर है। कंप्यूटर जी भी आपको दिखा रहे होंगे। देखिए अब इसमें क्या है कि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, बिल्कुल लास्ट की इंफॉर्मेशन। द रेशियो ऑफ 5.98% इज द बेस्ट डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो, ये कल का क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़ेंगे और आपको देखो हम पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहां पर हम पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डेटा पर क्वेश्चन बन सकता है, तो आराम से शो खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और आराम से डेटा को पढ़ लीजिएगा, क्या पता समय खराब हो और क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नाबार्ड हैज साइंड अ एमओयू विथ आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन टू फैसिलिटेट सेवरल collaborative initiative for integrated agriculture and rural development of which state? मतलब नाबार्ड ने एक राज्य में ग्रामीण विकास के लिए कई सहयोगी पहल की सुविधा हेतु आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है। यानी नाबार्ड की बात हो रही है और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन की। तो किस स्टेट में हेल्थ केयर में आज ज़्यादा सुविधा देने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रोहित सिंह, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें यही चीज़ तो अवॉइड करनी है ना। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चे बोल रहे हैं हरियाणा, तो हरियाणा इज राइट आंसर। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा रीजनल ऑफिस ऑफ नाबार्ड हैज साइंड अ एमओयू विथ दिल्ली बेस्ड, ये कंपनी दिल्ली की है, आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन, रूरल डेवलपमेंट में कैसे हम और सुविधाएं दें इसके लिए। तो हरियाणा इज राइट आंसर। और इसके बाद एक स्लाइड और आएगी जहां पर देखो सब डेटा है, कहानियां हैं, आपको ये सब पॉइंट पर ध्यान नहीं देना, ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। बस नाबार्ड याद कर लो, हरियाणा याद कर लो और आयुर्वेद रिसर्च याद कर लो, इतना काफ़ी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे आपके लिए। यहाँ पर देखिए, Which ministry had requested the Union Home Minister to revise the visa application process for foreign nationals travelling to India by requiring them to declare their criminal record if any? यानी क्या बोला गया कि किस मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से बोला है कि जो विदेशी हमारे देश में वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें अपने ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई चार्ज है तो उसे बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। तो किस मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री से ये कैसे ना कि वो कि इसकी अनुरोध किया है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देखो अब पॉइंट पढ़ना, Foreigners applying for Indian visa will now have to declare their criminal record. India अपने वीज़ा आवेदन के सिस्टम में चेंज कर रहा है, आपको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा और ये अब नए वीज़ा का फॉर्मेट भी होगा, ये मान लिया गया ये नए वीज़ा का फॉर्मेट भी होगा। ठीक है, और ये जो रिक्वेस्ट की है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जो आपके सामने है। Who has been appointed as the India's ambassador to Myanmar on 24 October 2018? और ये मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, इनका अपॉइंटमेंट हो गया, फिर से क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है और आपको सही आंसर देना है। चलिए दें, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, टफ क्वेश्चन नहीं है। इंडिया के वीजा अप्लाइंग में चेंज हुआ है, ये बड़ा मैटर था, तो किसके कहने पर हुआ है ये तो जानना बेटा आपका हक है ना, आपको जानना पड़ेगा। और अब इसका आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा है। 24 अक्टूबर को म्यांमार में भारत के अगले राजदूत कौन अपॉइंट होंगे? और जी हाँ, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सौरभ कुमार। तो सौरभ कुमार इज राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जहां पर कंप्यूटर जी येलो से आपको दिखाएंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने हैं। देखिए, तो अगर सौरभ कुमार की बात करें तो ये विक्रम मिस्री की जगह लेंगे और विक्रम मिस्री जो है ये चाइना में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। लास्ट पॉइंट देखो, विक्रम मिस्री जो है ये चाइना में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं और ये भी मैं करा चुका हूं क्वेश्चन आपको। जी हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। ठीक, चलिए। Who has been appointed as the Chief Justice of the Uttarakhand High Court on 24 October 2018? तो 24 अक्टूबर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर करना है। बिल्कुल, थैंक यू आप लोग के केयर की वजह से। ठीक है, सब ठीक है। और आंसर मुझे आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा। और यहाँ पर बच्चे रमेश बोल रहे हैं, अरे जस्टिस जी हैं, कम से कम मिस्टर रमेश बोल दो, यहाँ सीखे रहोगे तो इंटरव्यू गलती नहीं करोगे। रमेश, अरे हमारा दोस्त यार थोड़ी ना है। तो आगे बढ़े जरा देखें, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है जी, बिल्कुल जस्टिस रमेश रंगनाथ। जस्टिस रमेश रंगनाथ जी जो हैं ये हमारे क्या बने हैं, ये बने हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखिए अब यहां पर आपको हम और भी इंफॉर्मेशन देंगे। यहां क्या बोला गया कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, कलकत्ता, गुवाहाटी एंड बॉम्बे, इन सबके चीफ जस्टिस नए अपॉइंट हुए हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। नीचे देखें तो मिस्टर विजय कुमार बिस्ट, ये जो जज हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है सिक्किम हाई कोर्ट का। सिक्किम हाई कोर्ट, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। 24 अक्टूबर 2018 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे अपॉइंट किया गया है? Who has been appointed as the Chief Justice of Calcutta High Court on 24th October 2018? We have 5 option and you have to choose right one. क्या इसका आंसर होगा? हाँ हाँ गुप्ता जी, अंकल जी आप बोल सकती हैं, बिल्कुल बोल सकती हैं। चलिए और आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा? गाइस जल्दी जल्दी से आंसर दे बेटा, टाइम कम हमारे पास। अभी 8:30 पर फिर से मैं आने वाला हूं फॉर जनरल अवेयरनेस, उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर मेंस एंड फॉर क्लैरिकल मेंस। ठीक है, तो आप पीओ और दोनों के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से आंसर आने शुरू हो गए हैं बेटा, और आंसर क्या है? जस्टिस देबाशीष कुमार गुप्ता जी ये बने हैं, ये अपॉइंट हुए। जी बिल्कुल, तो अगर हम बात करें देवाशीष कार गुप्ता जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, अब ये चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। इसके नीचे क्या बोला गया, देखो आपको जस्टिस अजय कुटेरिया जी के बारे में बताया गया है और जस्टिस नरेश जी के बारे में बताया गया है, कौन कौन कहां कहां अपॉइंट हुए हैं। पूरा पीडीएफ को देख लेना आराम से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है इन क्वेश्चन और हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट वाले स्लाइड में, देख लीजिए यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं जो आपके सामने यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इनॉग्रेट द सागर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश मत पढ़िएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस साल से पूरे देश में उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 5 के मोटर वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको पता है ये BS4 क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस ईयर से BS4 के जो मॉडल के जो गाड़ियां हैं उनके सेल और रजिस्ट्रेशन पे पूरी तरह से रोक लगा दी है, ये आपको बताना है। इंग्लिश मत पढ़ना, हिंदी पढ़ना केवल, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2020, राइट, 2020 इज राइट आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट ने BS स्टेज 4 जो व्हीकल्स हैं उन पर 1 अप्रैल 2020 से रोक लगा दी है, ना ये बिकेंगे ना इनका रजिस्ट्रेशन होगा। BS4 के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, यहाँ पे देखिए। विच स्टेट हैज बैंड द सेल ऑफ ग्लाइफोसेट फ्रॉम 24 अक्टूबर 2018? देखिए ग्लाइफोसेट की बात करें तो ये उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर में मिला जाता है, लेकिन इससे कैंसर बढ़ने की संभावनाएं जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस स्टेट गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर में इसको न मिलाने के लिए बैन लगा दिया है, और वो कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। जल्दी से मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किस स्टेट, और यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गया, बच्चे बोल रहे हैं पंजाब, पंजाब इज राइट आंसर। तो पंजाब गवर्नमेंट ने, अगर हम बात करें ग्लाइफोसेट की बिक्री पर, सेल पर रोक लगा दी है क्योंकि कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो सब कुछ वही है, सब वही पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं जो आपके सामने यहाँ पर है। देखिए A group of ministers has been constituted by the government of India to strengthen the legal and institutional framework to deal with and prevent sexual harassment at the workplace. It will be headed by. मतलब क्या बोला गया है कि देश में हमारे एक कमेटी बन रही है, जो कमेटी कार्यस्थलों पर, वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हरेसमेंट होते हैं उनके जो चीज़ आ रही है सामने उसकी जांच करेगी। और इस कमेटी को लीड कौन करेंगे ये आपसे पूछा गया है, और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? जी हाँ, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर लीड करेंगे, ये सही है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। एक स्लाइड आएगी जहां पर पूरी कहानी आपको वही है। राजनाथ सिंह जी येलो में दिख रहे होंगे आपको, तो राजनाथ सिंह जी जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर हैं जो कि इसको लीड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखिए Israel Aerospace Industries has signed a $, मतलब $how much million डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि इजराइल और इंडिया मिलकर बराक 8 मिसाइल डेवलप किए हैं और जो इजराइल हमें बनाना सिखाएगा इंडिया में, तो आपको बताना है कितने का एग्रीमेंट हुआ है। बिल्कुल सही, फैंटास्टिक। और आंसर है 777। तो 777 मिलियन US डॉलर का एग्रीमेंट हुआ है इजराइल के बीच में और इंडिया के बीच में। किसके लिए? बराक 8 मिसाइल के लिए। बराक 8 मिसाइल कौन सी मिसाइल है? देखें, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको याद करना जरूरी है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। और अगर हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है विल बी द मेन मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बराक 8 मिसाइल बनेगी, जिसमें हमें कौन हेल्प करने वाला है? इजराइल, ठीक है। तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज याद कर लीजिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मत भूलिएगा, बराक 8 मिसाइल का नाम मत भूलिएगा, और ये कौन सी मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मत भूलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर जो आपके सामने है। चलिए, भारत ने किस देश के साथ एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जो आतंकवादियों, आर्थिक अपराधियों और अन्य अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा? तो इंडिया हैज साइंड एन एक्सट्राडिक्शन ट्रीटी विथ दिस कंट्री दैट विल प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर सीकिंग एक्सट्राडिक्शन ऑफ टेररिस्ट, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एंड अदर क्रिमिनल्स। मतलब इंडिया इस देश से अपने जो भी लोग भागे हुए हैं उनको मांग सकता है। और इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जय माता दी शुरू हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आंसर गलत आ रहे हैं। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मलावी। मलावी एक देश है, कई लोगों ने इसका नाम सुना नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो मलावी इज राइट आंसर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मलावी की कैपिटल और मलावी की करेंसी याद कर लीजिएगा, मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें, द कैपिटल ऑफ मलावी इज लिनोगवे, और करेंसी की बात करें तो क्वाच है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और अगर बात करें तो और कुछ इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। देखें, यहाँ पर SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो अ हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी चेयर्ड बाय विच पर्सन विल बी सेटअप फॉर द पीरियडिकली रिव्यूइंग एंड रिफाइनिंग द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब होता है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने गोल सेट किए हैं, ये सब गोल कहाँ सेट होते हैं? ये सेट होते हैं यूनाइटेड नेशन से। तो UN से ये गोल हमें आते हैं कि हमें भी ये अचीव करना है। तो उस सेक्टर्स में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए, बच्चे बोले प्रवीण श्रीवास्तव। जी हाँ, प्रवीण श्रीवास्तव को हम जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि ये हमारे देश के चीफ स्टैटिस्टिशियन अपॉइंट हुए हैं। तो प्रवीण श्रीवास्तव इस कमेटी को लीड करेंगे। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म में, कि NIF का फुल फॉर्म क्या होगा। तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क और SDG का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब इस तरह आएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने यहाँ पर है। The Cabinet Committee on Economic Affairs has given its approval for the creation of special FIDF. What does I stand for the FIDF? तो FIDF में I का फुल फॉर्म आपको बताना है, यानी FIDF पूरा आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या होगा इसका। चलिए, तो मुझे बताएं कि क्या इसका आंसर है, और अगर आपको ये पता है तो जल्दी से गाइज मुझे बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में ये आने की संभावना रखता है। जितने भी गवर्नमेंट के ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, और यहाँ पर बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं, क्या ये सही आंसर है? आइए देखते हैं। The Cabinet Committee on Economic Affairs has given its approval for the creation of special fisheries and aquaculture infrastructure development fund. ठीक है, देखो, तो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये आपको याद रखना है। गाइस मैं दावे से बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में एब्रीविएशन में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए, द क्रेडिट फ्रॉम द फंड विल हेल्प जनरेट ओवर 9.40 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब फॉर फिशरमैन, ठीक है। मतलब एक फंड होगा, और ये फंड जो है ये लोकल ऑन्टरप्रेन्योर, स्टेट गवर्नमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार चल रही है, वो सब इससे पैसा ले सकते हैं अपने अपने स्टेट में ये जो फिशरीज की चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की बात करते हैं जो आपके सामने यहाँ पर है। इन विच स्टेट विल द घोघा, दहेज, रोपैक्स फेरी सर्विस भी इनॉग्रेटेड ऑन 27 अक्टूबर 2018। मतलब कि किस स्टेट में 27 तारीख को घोघा, दहेज, रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। मतलब इसमें बहुत बड़ी शिप होगी जिसमें गाड़ियां, पर्सन का को हम यहाँ से वहाँ चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था, पहले लॉन्ग डिस्टेंस हमें घूम के आना पड़ता था, और अब इस शिप से क्या होगा, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाए जाएंगे। और इसका आंसर क्या है, गुजरात। जी हाँ, गुजरात बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें घोघा, दहेज, रोपैक्स की, तो गुजरात में ये शुरू हुआ। सागरमाला प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सागरमाला प्रोग्राम भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और अ फेरी सर्विस हैज़ अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 100 व्हीकल्स एंड 500 पैसेंजर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स के 29 क्वेश्चन में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। और इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग जानते हैं। देखने में ये क्वेश्चन काफी सिंपल लगते हैं, लेकिन जब बात डेटा पे आती है तो अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो डेटा पर स्पेशली हमको फोकस करना पड़ेगा। तो हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 10,000 वनडे इंटरनेशनल रन एज ऑन 24 अक्टूबर 2018। हमारे पास 5 ऑप्शन है और सही आंसर आपको चूज करना है। जल्दी से पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को तभी मिलेगा जब हमारा शो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का टेस्ट भी आपका होता है। चलिए, और इसका आंसर जी हां बिल्कुल विराट कोहली इज राइट आंसर। विराट कोहली की बात करें, मैंने क्या बोला था, डेटा आपको लर्न करना है। देखिए तो 205 इनिंग में 205 इनिंग्स में इन्होंने इतने रन बनाए हैं। और अगर सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन करें, हालांकि कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी 259 इनिंग्स सचिन ने खेली। अच्छा, इसके बात करें तो ये कोहली जो है ये इंडिया से 5वें और पूरे वर्ल्ड के 13वें ऐसे बल्लेबाज बने हैं जो 10,000 रन बनाए हैं। और इंडिया की तरफ से सचिन, सौरभ, राहुल और MS धोनी के बाद ये 5वें बल्लेबाज बन गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर क्वेश्चन। इसके बाद अभी 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीएस से बचे हुए हैं, और उसके बाद 8:30 पे फिर से आपको आना है फॉर जनरल अवेयरनेस, जहां पर हमारा मॉक टेस्ट 5 का टेस्ट है। आपको आना है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सेम वैसे क्वेश्चन लेके आपके लिए हम आ रहे हैं। चलिए, तो हु हैज बैक्ड द इनॉग्रल JCB प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर द बुक जैस्मीन डेज? ये आपको बताना है। जैस्मीन डेज किताब के लिए पहला साहित्य का JCB पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? 25 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी है। और यहां पर आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, और आंसर क्या है, बेनियामिन। तो बेनियामिन की बात करें तो ये एक मलयालम ऑथर है, और इन्होंने ये बुक लिखी है जैस्मीन डेज। इस बुक में इन्होंने बताया है कि जो साउथ एशियन है उनकी ज़िंदगी कैसी होती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। और 25 लाख रुपीस की ट्रॉफी है, और ये पहली बार ये प्राइज़ बांटा गया है, तो सबसे पहले पर्सन ये है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर आपको मोटिवेशनल कोट देखने को मिलेगा गाइस। लेकिन भूलना नहीं, 8:30 पे फिर से आपको आना है अगर आप सीरियसली बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं फॉर IBPS PO मेंस और IBPS क्लर्क मेंस। चलिए, तो ये एक फिर से देखिए मोटिवेशनल कोट आपके सामने। फेल्योर इज अ बेंट इन द रोड, नॉट द एंड ऑफ द रोड। लर्न फ्रॉम फेल्योर एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। गलतियों सीखना है, आगे बढ़ना है। फेल्योर जो है वो कुछ क्षण के लिए है, वो कुछ क्षण के लिए आते हैं और हमको परेशान कर देते हैं, और उस परेशानी में से जो निकल गया वो रॉकस्टार बन गया, वो आगे कुछ ना कुछ करेगा। और उस परेशानियों से जो परेशान रहा और अंत में उसने अपनी तैयारी छोड़ दी, वो कहीं का नहीं रहा। जब देखो कहा गया है ना, गेम वही खेलो जिसे तुम खत्म कर सको। और अब आ गए हो, बीच में आ गए हो, इतने एक्सपेक्टेशन जुड़ गए हैं, और फिर बीच में आके परेशान होने में कुछ अच्छा नहीं है, आपने कोई काम ही नहीं किया, आप लूजर हैं। यकीन मानिए आप बेस्ट हैं, आपको बेस्ट मानना पड़ेगा अपने आप को बेटा, क्योंकि अब आप शुरू कर चुके हो, आप इनिशिएट कर चुके हो। और मेरी नज़र में हर वो बच्चा जो तैयारी करता है वो रॉकस्टार होता है। मैं उसकी इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज डिसीजन लेने के लिए पावर चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके अंदर डिसीजन लेने का पावर नहीं था, आपके अंदर था। तो यू आर द बेस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए, वेयर इज बरना डैम सिचुएटेड? बरना डैम कहां पर है? मैं हमेशा बोलता हूं कि आप हमेशा अपने आप को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का डिसीजन भी लेना ना अपने आप में गट्स की बात होती है। बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त, यार, सखी, सहेलियां लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, आपने डिसीजन लिया है ना, तो यू आर अचीवर। चलिए, और अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा? आमिश बोल रहे हैं कि मैं बुक लिखूंगा, अरे नहीं यार बुक बुक कहाँ लिख पाएंगे। चलो और आंसर दो, क्या मैंने इसका आंसर दिया है, क्या मैंने क्वेश्चन किया इसका आंसर दो। यहाँ बच्चे बोल रहे हैं मध्य प्रदेश, अच्छा नाम से तुमने पकड़ लिया, हाँ तो MP इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखें यहाँ पर, बंदोडकर गोल्ड ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो बंदोडकर जो गोल्ड ट्रॉफी है वो इंडिया में किस खेल से जुड़ी हुई है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर करना है। गाइस जल्दी से आंसर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्या हमारा है, हम यहाँ पे ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये ट्रॉफी किस खेल से बिलोंग करती है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने से मिलते हैं। क्या इसका आंसर होगा, और आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। सोना अरविंद बोल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है सोनम बोल रही है फुटबॉल। क्या ये सही आंसर है, फुटबॉल फुटबॉल एंड फुटबॉल इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, फुटबॉल बिल्कुल सही आंसर आप लोग दिए हैं। खेलते हो तुम लोग क्या फुटबॉल जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड, किस दिन हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको बताना है। एक तो खुद ही टेंशन है, ऊपर से हाइपरटेंशन, हाँ ये कब सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। चलो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या इसका आंसर होगा 17 में 17 में, ठीक है ठीक है, और इसका आंसर है 17 में। अच्छा आज एक काम करिएगा, आज आप लोग सितंबर का पूरा डेज पढ़ के ही सोइएगा, सितंबर का पूरा डेज पढ़ के ही सोइएगा। आज कल अक्टूबर फिर नवंबर, मैं आपसे चेक करूंगा, ठीक है। तो कई लोग के मेरे पास नंबर पड़े हैं, रैंडमली मैं फ़ोन करूँगा, मैं पूछूंगा क्या जी क्या है, किस सितंबर कौन सा दिन मनाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वेयर इज बाघ नाच और टाइगर डांस परफॉर्म्ड, तो किस स्टेट में बाघ नाच या टाइगर डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो आज सितंबर के पूरे डेज पढ़ के ही सुना है हमको, ठीक है। चलिए तो मुझे अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने पूछा है आपसे, और यहां पर आंसर आएंगे और आंसर आ रहे हैं। क्या इसका आंसर होगा जी, हाँ बिल्कुल आंसर इसका होगा ओडिशा, ओडिशा इज राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, ओडिशा इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पे है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एटलांटिक काउंसिल सिचुएटेड, ये मैंने क्या पूछ लिया, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही दे पाते हैं, ठीक है। एटलांटिक काउंसिल कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है। रोहित सिंह आई कॉल, आज रात में तुम सोचो कॉल आती तुम्हारे पास, तुमने याद किया कि नहीं। चलिए बताएं मुझे मेरे इस क्वेश्चन सर, एटलांटिक काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हाँ जो उड़ीसा से, तुमको बधाई हो, हार्दिक बधाई हो। चलो और यहाँ पर सौम्या अफरोज का आंसर आया है, सही आया है। अभिजीत का सही आंसर आया है, ठीक है ठीक है ठीक है, और आंसर आ रहे हैं। और आंसर क्या होगा, इसका आंसर है वाशिंगटन DC, तो वाशिंगटन DC सही आंसर है। कंप्यूटर जी ने पहले तो नहीं लगा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6, वेयर इज रामास्वामी टेम्पल सिचुएटेड, तो किस स्टेट में रामास्वामी टेम्पल है ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। और हमारे कंप्यूटर जी बड़े खुश हो गए हैं, शायद वो गए हैं इस मंदिर में, बोल रहे हैं कि मैं मंदिर में गया हूँ। तो आप भी बताएं किस स्टेट में ये मंदिर है। हेडक्वार्टर कैसे भूल जाते हो यार, हेडक्वार्टर तो ऐसी चीज़ है जो मतलब कभी आप भूल ही नहीं सकते। केवल कहानी बना लो कि अगर ये अटलांटिक है, अच्छा इस तरह से मतलब वो अमेरिका के पास होगा, कहानी बनाओगे तो याद हो जाएगा हमेशा। और आंसर क्या है, आंसर तमिलनाडु आंसर दे रहे हैं बच्चे, तो बिल्कुल तमिलनाडु है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो कि झील पर क्वेश्चन है। वेयर इज सशस्त्र मोकोटा लेक सिचुएटेड, तो सशस्त्र मोकोटा लेक जो है वो कहाँ, किस स्टेट में है ये आपसे पूछा गया है। इसमें टा आ रहा है, तो मैं होता आपकी जगह तो मैं तमिलनाडु बोलता, आप क्या बोलेंगे आप बताएं। अमिश कुमार बोले कंप्यूटर जी पार्टी पार्टी देंगे कंप्यूटर जी। किशन, जब तक पूरा याद ना हो जाए उतना याद करो, कितना याद करें मतलब जब तक पूरा याद ना हो जाए। और आइए आंसर दीजिए जल्दी से। मैं होता मैं तमिलनाडु बोलता, बिकॉज इसमें कोट्टा टी आ रहा है। अच्छा तुम लोग मेरा आंसर नहीं बोलोगे। आंसर दिखाना बेटा जी, इसका आंसर क्या? तमिलनाडु इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वेयर इज मोइन उल हक स्टेडियम सिचुएटेड? मोइन उल हक स्टेडियम किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है? और यहाँ पर आंसर आ रहा है पटना। क्या पटना सही आंसर है? पटना सही आंसर है जी हाँ, पटना बिल्कुल सही आंसर है, पटना राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्यास सम्मान इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो व्यास सम्मान किस फील्ड से बिलोंग करता है, दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अगर मैं व्यास सम्मान की बात करूं तो मेरे हिसाब से आंसर म्यूज़िक होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अच्छा लिटरेचर होना चाहिए, और लिटरेचर इज़ राइट आंसर, लिटरेचर इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुना अरविंद ठीक है, मैं चेक करता हूं बेटा, एक बार परेशान ना हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो डिब्रूगढ़ जो है वो कहाँ, वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? अब डिब्रूगढ़ की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में जो नदी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी महानदी या हुगली। तो क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दे दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, और विराट ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं, प्रमोद ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं, हुगली। हाँ वेरी गुड रितु, हुगली, वेरी गुड। और आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा इज राइट आंसर, ब्रह्मपुत्रा। तो गाइज आज का शो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं 8:30 पर अभी आपको आना है। अगर आप जीए की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ। और कल हम फिर मिलेंगे 7:30 पे फॉर करंट अफेयर्स, और वहाँ पर धमाल मचाएंगे। तो गाइज ऐसे ही आप मिलते रहें, ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहें, यही हमारी विशेष है। खूब आगे बढ़ें और अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर जल्दी से ले लो उसे, और बिल्कुल लाइफ एक सुकून वाली। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी गिव अप नहीं करना है। आई कैन, आई विल, आई मस्ट, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना है। जिद है तो जिद है। गुड नाइट गाइस।